बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान इलेक्शन 2024 के लिए कौमी असम्बली के हलकों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हलका एन ए 248 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान एन ए 242 डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से, और इसके अलावा एन ए 247 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यानी ज़िला बस्ती से इलेक्शन लड़ेंगे। दीगर दूसरे नामों में डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि हल्का एन ए 241 डिस्ट्रिक्ट साउथ जिसमें डिफेंस क्लिफ्टन बंस रोड और उससे मुलका इलाके आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार का जो दूसरा हल्का है वो है एन ए 244 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। अमीनुल हक का हलका है एन ए 246 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। रऊफ सिद्दीकी एन ए 237, हुमायूं उस्मान एन ए 243, अबू बकर जो हैं वो लड़ेंगे एन ए 234 से। इसके अलावा जावेद हनीफ हलका एन ए 233 से इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन अब जो डेडलॉक था ख़ासतौर पर मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो अभी बरकरार है, और इसके बाद भी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी वापस लेने की डेट रहेगी। अभी चूंकि पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी रोज़ है, और अब तक जो है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सूबाई असम्बली के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, और ये भी देखना होगा कि क्या इस जो सूबाई असम्बलियों की सीटों का ऐलान है क्या कुछ दुश्वारियाँ हैं, इसलिए कि मुत्तहिद होने के बाद मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पे तो थोड़ी बहुत चीज़ें थीं, क्योंकि PSP से आने वाले लोग, डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ आने वाले लोग, और फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बहादुराबाद में मौजूद लोगों के दरमियान इस बात पर भी थोड़ी सी बहस थी कि किसको टिकट दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। बहरहाल इसके अलावा अगर हम दूसरी स्टोरीज पर देखें तो बल्ले का निशान जो PTI को मिल गया था कल तक, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अपील कल के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच है जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगी। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जहां फैसला चैलेंज किया, वहीं PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि उनको जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया बल्ले के निशान का। साथ साथ ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है। आपको इसके अलावा ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जरा ये कहते हैं कि जी जस्टिस एजाज़ुल अहसन जो है वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इससे कबल मदारुल नकवी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हुए थे, उनके खिलाफ केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने शिरकत नहीं की थी, और इससे कबल जो है उन्होंने इख्तलाफ किया था इस रेफरेंस के हवाले से जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ था। बहरहाल अब देखना यह है कि इसके आगे, और ये भी आपको बताएंगे जस्टिस एजाज़ुल अहसन जो है वो नेक्स्ट अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले थे। बहरहाल मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की स्टोरी पे वापस आते हैं। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाह साजिद साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए। जी डॉक्टर साहब। सर कौमी असम्बली की सीटें तो जाहिर हो गई, ऐलान कर दिया गया, वक्त कम है, सूबाई असम्बलियों की सीटों का ऐलान क्यों नहीं किया गया सर? कोई इसमें भी तजस्सुस है, कोई बातचीत है, या क्या सीट एडजस्टमेंट्स हैं, या आपस की सीट एडजस्टमेंट है कि सबका नहीं? ऐसा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कल तक अभाम था, और मैंने एक मीडिया पर रिपोर्ट भी देखी कि कौमी असम्बली का उन्होंने तक अनाउंस नहीं किया, तो और अपनी तरफ से उन्होंने कहानियां जो है एक तजिया कहा उन्होंने गढ़ी ना। अच्छा वो फिर आज वो रात में अनाउंस हो गया, ठीक है ना। अच्छा सब पार्टी हिकमत अमली के तहत सारे काम कर रही है, ठीक है ना। अच्छा। और बाकायदा तौर पर सबसे पहले कागजात जमा करवाए लोगों ने अपने, फिर वो एक्सेप्ट हुए, कुछ के रिजेक्ट हुए, ऑब्जेक्शन आया, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद पार्टी ने अपना कौमी असम्बली के का कल उन्होंने अनाउंस कर दिया। कल का पूरा दिन है, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हो सकता है आज रात ही में पार्टी अनाउंस कर दे। और बहुत सर सूबाई असेंबली में तो ऐसा किसी दूसरी इत्तेहादी पार्टी से कोई मसले भी नहीं है, तो फिर क्या वजह हो रही है? क्या उम्मीदवारों का चुनाव मुश्किल हो रहा है? नहीं वजह कोई भी नहीं, और पार्टी ने चुनाव अभी सब कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ठीक है, पार्टी की अपनी एक हिकमत है ना, तो हिकमत अमली का तो चल रहे हैं। और एक शख्सियत को दो दो टिकट दिए गए हैं, कुछ ऐसी शख्सियत थी माजी में नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, फेम भी है, फिर उनको आप समझते हैं कि पार्टी में कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया गया या उनको सूबाई में उतारा जाएगा, क्या वो है हिकमत अमली?
देखिए ये सब वो क्योंकि एमक्यू का थिंक टैंक है, कन्वेनर खाद मकबूल सद्दीक के भाई डिप्टी कन्वेनर्स हैं और सारी एक एक, 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 एक पूरी थिंक टैंक मौजूद है जो कि तमाम पॉलिसीज को पार्टी की मुरतब करती है, ठीक है ना। और वही सब कुछ तमाम फैसला के की अथॉरिटी उनको पार्टी के तमाम कारकुनों ने एमक्यू का टाउन और यूसी ने उनको दिए हुए, और इंशाल्लाह ये भी चीज क्लियर हो जाएगी आज ही, अल्लाह ने चाह तो। अच्छा ये कब तक मुमकिन होगा? देखिए कंफर्मेशन तो मेरे पास भी कोई नहीं इस वक्त कब तक कंफर्म होगा, लेकिन बस कल का दिन है तो मतलब आज या कल अर्ली हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है ऐसा ना। अच्छा लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कोई खबाहत नहीं। अच्छा मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ वाला मसला हल हो गया है सर, ये क्योंकि अभी कागजात नामजदगी वापस लेने का तो अभी भी वक्त रहेगा अभी, ठीक है पार्टी कल का देना है इसका भी। और देखिए उसमें एमक्यूएम ने ये तय किया था और जो बल्कि दोनों तरफ की मुज़ाकराती कमेटी जो आपस में गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, जिनसे बातचीत हो रही थी सब कुछ, उसमें एंड में तय ये पाया था, काफी नशस्तें हो चुकी थी कि एंड में फिर जो बल्दिया की सीट के हवाले से 242 के हवाले से ये तय पाया कि ठीक है इस इश्यूज पर को अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और शहबाज शरीफ साहब जो कि खुद कंटेस्ट कर रहे हैं सिलेक्शन को, अब वो रब्ता करेंगे पार्टी से और कोई बात बनी तो ठीक है, वरना फिर इलेक्शन लड़ेंगे एमक्यूएम लड़ेगी वरना फिर इलेक्शन। अच्छा तो मतलब ये भी हो सकता है कि इत्तेहाद में रहते हुए शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन मुस्तफा कमाल लड़ेंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन में तो इलेक्शन है वो तो सबको पास ठीक है, गुडविल इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है इसका मतलब है? ना 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 इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना। अच्छा यानी ये इलेक्शन लड़ना ये अपने अलग अलग भी आप लोग लड़ सकते हैं, एक दूसरे भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो पहले जो बात कही जा रही थी कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल 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 वो है जैसे डिस्ट्रिक्ट मलिर की उसको सीटें हैं उस पर पार्टी ने ऑप्शन दिया था वो ठीक है सही है। अच्छा जीडीए के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ेंगे, जीडीए के जो उम्मीदवार हैं? देखिए अब इसमें कुछ 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 हो सकता है किसी पे एडजस्टमेंट हो जाए और हो सकता है फिर लड़े भी हैं क्या, तो अभी कुछ चीजें फाइनल हो जाएंगी कल तक, सब बिल्कुल ना सब कुछ खुल के सामने चीज आ जाएंगे अल्लाह ने चाहा। अच्छा मतलब आप समझते हैं कि कल तक जो है वो चीजें ये इलेक्शन इत्तेहाद वाली चीजें और बाकी तमाम चीजें जो है जी, वो, बिल्कुल। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अगर बल्ला मिल जाता है तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान? मिल जाए अच्छा है सर, अभी कल फिर एक तलवार लटक गई, जरूरी नहीं है कि वो रह जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील लग गई है समाअत के लिए, चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो अपील की समाअत करेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील फाइल कर दी गई है, ये भी मुमकिन है कि क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन का जो एतराज़ है वो अपनी जगह है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उसमें तमाम जो शराइत थी वो पूरी नहीं की गई हैं, तो अच्छा, देखिए इसमें इलेक्शंस कमीशंस के बायलॉज के अंदर बहुत सारे इख्तियारात अथॉरिटीज उनके पास हैं, ठीक है ना। अच्छा यकीनन जब वो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसका मतलब ये कि कोई मजबूत ऑथेंटिक पेपर वर्क उनका हुआ हुआ है और वो समझते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ कामयाबी हासिल करेंगे, और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन शायद ये भी जो फैसला उसने किया कोई हवा में फैसला नहीं कर दिया होगा ना, यकीनन बायलॉज के अंदर इलेक्शन कमीशन के और जो जो कुछ ना कुछ थ्योरी के अंदर है। पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा एक हतमी रिलीफ दे दिया, पहले इंटरिम रिलीफ दिया गया, फिर उस रिलीफ को कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद फौरी तौर पर समाप्त करके हतमी रिलीफ दे दिया गया, और वो भी दो बेंच मतलब डबल बेंच ने ये फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में तीन जजेस जो हैं वो समाअत करेंगे, फुल बेंच जो है यानी एक लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा इस केस की, और देखना ये भी होगा कि क्योंकि मतलब जो पीटीआई ने आज पेशावर हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालती दरख्वास्त दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है, ये बात दुरुस्त है आप समझते हैं? अच्छा देखिए एक तो पीटीआई का अपने का अपना कानूनी हक है कि वो समझते हैं कि ये फैसला रॉन्ग है तो उनको पटिशन लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट या कि दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इस जगह इलेक्शन कमीशन का भी अपने कुछ इख्तियार हैं मैं समझता हूँ, और उन्होंने भी ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस केस को लेकर, ठीक है ना, चले गए सर कल समाप्त लग गई है। अच्छा चले बिल्कुल चले गए ना। अच्छा वो यकीनन वो फिर अगर गए होंगे तो मुकम्मल पेपर वर्क कर गए होंगे, उनके पास आईनी और कानूनी दलाइल भी होंगे, ठीक है ना, तो उसको वहाँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो जितना बड़ा जो भी बेंच है उस बेंच के आगे तमाम चीजें आएंगी, सारे के सारे जो जजेस हैं वो भी एक्सपर्ट हैं सारे,
कानून पर बहुत अच्छा अबूर उन सब का है, सब लोग पढ़ लिख कर तजुर्बात के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं सारे के सारे। तो मैं चाहता हूँ कल ये भी अवाम दूर हो जाएगा ना कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कि आया कि वाकई में इलेक्शन कमीशन के पास इतना अख्तियार है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 22 हो गया था, अगर अख्तियार है तो कल चीज़ें बात हो जाएंगी सारी की सारी ना। ठीक है। और सर मुत्तहिद अवाम मूवमेंट पाकिस्तान की इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, जिस तरीके से कॉर्नर मीटिंग्स या चीज़ें पहले होती थी, या बड़े जलसों की तरफ जाएंगे आप? अच्छा देखिए, अभी एमकेएम ने जलसे तो मुख्तलिफ थानों के अंदर कुछ अरसे पहले से स्टार्ट कर दिए थे, और नीचे भी लोगों से रब्ता ग्राउंड पर यूसी लेवल पर टाउन लेवल पर लोगों से रब्ता, एमकेएम मुस्तकिल रब्ते में और उनसे रब्ता भी हो रहा है सब कुछ ना। लेकिन मैं समझता हूँ कल के बाद ना बहुत तेजी आ जाएगी, कारण मीटिंग भी एमकेएम करेगी 21 जनवरी को, एमकेएम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जलसा भी करने जा रही है कराची के अंदर, और इसके बाद यानी कल के बाद बहुत तेजी चीजों के अंदर आ जाएगी ना। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कल के बाद तेजी आ जाएगी, तमाम अवाम दूर हो जाएंगे, टिकट के मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे तमाम पार्टियों के, इलेक्शन कमीशन में कल आखिरी दिन है जमा कराने का टिकट ना, और 13 तारीख को हतमी लिस्ट शाया कर देंगे, तो कल के बाद मैं समझता हूँ तेजी आ जाएगी। 15 को नून लीग कर रही है जैसा, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी लाहौर में छोटे मोटे जैसे कारकुनों का इजलास कर रही है, ठीक, ठीक है ना, आप समझते कल के बाद तो जो है वो थोड़ी सी इलेक्शन का तेजी। माहौल बनता हुआ नजर आएगा जी कल बिल्कुल के बाद। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक 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 है सर, आप हमारे साथ अभी मौजूद रहेंगे, हम यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो ख्वाजा सोहेल मंसूर हमारे साथ होंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन वक्फे के बाद देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, बात करें इलेक्शन 2024 के हवाले से, और जो कैंडिडेट्स जिनको के पार्टी टिकट मिल गए हैं और वो पार्टी टिकट जमा कर चुके हैं। मुत्तहिद अवाम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अभी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है ख्वाजा सोहेल मंसूर ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का। हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाले आपका। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि यानी आपका टिकट भी जमा हो गया है, क्योंकि आपका नाम पहले आ गया था, और कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं अब आपके। जी हाँ, मेरा 250 से रन सेंट्रल इंटरनेशनल और बड़ी अलग शुरू हो। अच्छा, तो सर मुझे बताइएगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बल्दियात में भी जो है ना वो खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हो सकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और अब ये नेशनल असेंबली की सीट है। आप समझते हैं कि आप लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर वोट के लिए? देखिए अलहमदिल्ला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पहले एक यूसी भी हमारे पास, हमने 6 यूसी डाली हैं, और बिल्कुल पहली बार कराची के अंदर जो है पीपल्स पार्टी जो है पूरे जोरों शोर से 2024 के इलेक्शन में उतरी है, और तरक्याती कामों के हवाले से तकरीबन हम पिछले 1 साल 1.25 साल से कोई 19 अरब रुपए के काम जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कर चुके हैं, जो सब सारी आवाम के सामने है। रहा सवाल ये कि किसके सामने हम जीतेंगे या किसके सामने नहीं जीतेंगे, तो बड़ी खुशी थी कि खालिद मकबूल मेरे सामने और हाफिज नईम मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से खालिद मकबूल जो है क्योंकि इस हल्के से पहले वो जीत चुके थे लेकिन उनकी कारकर्दगी नहीं थी, और उन्हें पता था कि उनको आवाम मुस्तरद कर चुकी है, अपने डॉक्यूमेंट यहां से हटा के किसी दूसरे को नॉमिनेट कर दी। अब रहा सवाल जमात इस्लामी का, क्योंकि जमात जब एमक्यूएम ने बायकॉट किया तो और पीटीआई भी नहीं थी और पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली उस लेवल पे उतरी ही नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 यूसियां हमने ले ली, 36 यूसियां शायद हमारे पास हैं टोटल, और जमात इस्लामी को जाहिर है कि एक ओपन ग्राउंड मिला जिसमें एमक्यूएम नहीं पीटीआई नहीं पीपल्स पार्टी बहुत छोटे लेवल पे आई थी, तो वजह से जमात इस्लामी जो है ये सीटें ले सकी, वरना तकरीबन कोई 22,000 या 23,000 वोट जो है कौमी असम्बली से पड़ता है, और आपको पता है कि जमात इस्लामी का जो वोट है वो एक बाय बॉर्न वोट है, लेकिन एमक्यूएम की जहां तक पोजीशन है एमक्यूएम को भी आवाम ने इसलिए मुस्तरद कर दिया, अब लोगों के जहन में ये है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान से नहीं पढ़ रहा है बल्कि वो पीएसबी से लड़ रहा है, अच्छा क्योंकि पूरी पूरी जो इस वक्त कमांड है वो पूरी पीएसपी के पास है, इवन ये कि
ऑपरेशन भी जो इनका चल रहा है वो पाकिस्तान हाउस से चल रहा है, ना कि भादराबाद से चल रहा है। और अगर आप टिकटों की पोजीशन देखेंगे, मुझे साजिद भाई का तो नहीं पता कि इनको टिकट मिला नहीं मिला, लेकिन मेरे हलके के अंदर जो सबसे मजबूत उम्मीदवार और सबसे ज्यादा जिसकी रेपुटेशन इज्जत थी वो रेहान हाशमी की थी। आज रेहान हाशमी साहब को भी टिकट नहीं मिला जी। मतलब ये है कि वहां पे क्योंकि एमक्यू में नहीं सर, लेकिन अभी सूबाई की सीटों का ऐलान नहीं किया है, कुछ लोगों को शायद साजिद अहमद को और रेहान हाशमी को शायद उसके लिए कंसीडर किया जाए। देखिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि इन दोनों को किया जाए। उसकी वजह ये है कि एक बेहतरीन पार्टी के कारकुन भी थे और इन्होंने अपने इलाकों के अंदर डिलीवर भी किया। मेरी ख्वाहिश होगी, मैं तो यकीन करें यहां तक था कि अगर रेहान हाशमी मुझसे टिकट मांगते तो मैं अपना टिकट विड्रॉ करके उनको दे देता। जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन है इलाकों में, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने दिनों रात लगाया, आप उनको लाएंगे जो नए नए लोग हैं। मेरा इख्तलाफ भी देखे एमक्यूएम से यही, मैं कहता था देखें ये वर्कर्स की पार्टी है और वर्कर्स को आपको आगे लाना चाहिए, ना कि आप पीएसबी जो है एक बागी जमात। फिर खालिद मकबूल खुद जो है उन्होंने वो सोबतें नहीं झेली जो यहाँ के कारकुनों ने झेली, वो अमेरिका में रहे। जब अच्छा वक्त आया, गवर्नर बनने का वक्त आया, तो उन्होंने कराची की तरफ प्रवास कर ली। एमक्यूएम का क्योंकि जो है एक सोच और जो जज्बा था वो ये था कि हमें कराची के लिए काम करना है, कराची के कोटे के ऊपर काम करना है। लेकिन 30-35 साल अच्छा ख्वाजा साहब मुझे एक बात ही बताएं कि इस वक्त लंदन का वोट बैंक आप क्या समझते हैं? वैसे इजाजत तो नहीं मिल रही इनको लड़ने की, लेकिन आप समझते हैं? अच्छी बात है कि मेरा ना उस साइड पे सोच है और ना मैंने कभी उन चीजों को देखा है। मुझे उस बारे में ना आइडिया है और ना मेरी कोई उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए इस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन डेफिनेट देखें कई बार इनके कायद का यूट्यूब पे या इधर उधर कभी अगर इस चैनल पे आए भी तो उन्होंने यही कहा कि ये गद्दार है। और अब जाहिर है पार्टी तो उसी की थी, लेकिन वो पार्टी जो है वो एक बार पहले हाईजैक हुई, जिसको फारूक सत्तार ने हाईजैक किया, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हाईजैक किया, उसके बाद अब वो फाइनली हाईजैक जो हो गई वो मुस्तफा कमाल के हाथों हाईजैक हो गई। तो इनका बॉर्डर जो है वो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि डिलीवर नहीं कर सके कराची को सिवाय लाशें, खून और फर्दिया की फैक्ट्री जैसे हादसा से दो चार किया। मैं समझता हूँ कि इनको आवाम मुस्तरद कर देगी, क्योंकि अगर इनको मुस्तरद ना किया होता बलदियाती इलेक्शन में बड़े जोर से उतरते। उसके लिए इन्होंने फिर वही जवाब बनाया कि जी कराची की आबादी को कम गिना गया। कराची की आबादी को कम गिना गया है, ज्यादा गिना गया, लेकिन आपने जो आपके वोटर का हक था वो आपने उसे छीन लिया। किसी पार्टी को ये हक नहीं पहुंचता। आज आप पीटीआई की पोजीशन देख लीजिए, पीटीआई के ऊपर जैसे भी वक्त चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, कभी बल्ला मिल रहा है, कभी बल्ला छिन रहा है, लेकिन वो अपने वोटर को जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर हमारे पाकिस्तान की जो बदनसीबी है वो सिर्फ एक ही है, अगर हमने एक बार शफाफ इलेक्शन कर दिया और उसके वोटर को उसका लीडर दे दिया तो वो फिर अपने लीडर को गिरेबान से पकड़ सकता है। लेकिन अगर ये बंदरबाट की तरह चला और 2018 की जो इंजीनियरिंग हुई वो मुल्क को जो है 50 साल पीछे ले गया। आज आपके माशी हालात खत्म हो गए, आपके पास मेडिकल सिस्टम खत्म हो गए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, आपने एक ऐसे लीडर को लाके बिठा दिया तो ना तजर्बेकार आदमी था जिसने अफवाजे पाकिस्तान के लिए एक बगावत या आवाम के अंदर एक नफरत पैदा करने की कोशिश की। और मैं आज भी ये कहता हूं कि देखिए आज अफवाजे पाकिस्तान हमारे बॉर्डरों के ऊपर जानों की कुर्बानी दे रही है, इसीलिए हम नींद के साथ सोते हैं। वरना जो हालात इस मुल्क के और जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम हालत जंग में हैं। हम हालत जंग के अलावा इस वक्त जमहूरी जंग में हैं, उसके अलावा हम फाइनेंशियल जंग में हैं। हमारे पास कोई रास्ता इस वक्त नहीं है ऐसा कि हम इस वक्त अपने इदारों को बदनाम करें, हम कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर, कभी असम्बलियों के ऊपर अपने तहफुजात का इजहार करें और कौम को। लेकिन ख्वाजा साहब लोग यहाँ ये भी सवाल करते हैं ना कि कौम है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात सर 15 साल से एक तसलसल के साथ पाकिस्तान की कौम,
एक तसलसल के साथ 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है सिंध में, लेकिन उसके बावजूद भी कराची का जो हाल है, जब मुतहदा मूवमेंट वाले यानी बलदियाती हुकूमत में रहे, वो कहते थे फंड्स नहीं है। अब आपसे कहा जाता था, आप कहते थे बलदियाती हुकूमत हमारे हाथ में नहीं, हमें कराची से वोट ही नहीं मिलता तो हम कराची के लिए क्या काम करें। तो अब आपके पास बलदियाती हुकूमत भी रही, सिंध हुकूमत भी आपके पास रही है, अब भी मेजोरिटी जो इलाके हैं, अक्सरियत इलाके, उनका अगर आप हाल देखेंगे तो सर आप समझते हैं कि 15 साल सिंध हुकूमत में रहने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने कराची के लिए क्या काम किया है? नहीं सर, देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ बिटर ज्यादती होती है। कराची की आवाम ने कभी पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं दिया। कराची की आवाम ने एमक्यूएम को वोट दिया, जमात इस्लामी को वोट दिया, और हम वोट की बात नहीं करते। देखिए जो मुंतखब होकर आता है वो अपने आवाम के मसाइल के लिए असेंबली में, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, ये तो दोनों चीज एंजॉय करते रहे, फेडरल में भी, सिंध में भी, अपोजिशन में भी और उसमें भी। लेकिन इनके पास क्योंकि विल नहीं थी कि आवाम को कुछ दें, और ये चाहते भी नहीं थे कि कराची डेवलप हो, क्योंकि देख तो इनके साथ रहा। मुझे वो वक्त याद है कि इनके यहां जब ठेके दिए जाते थे तो सेक्टर इंचार्ज के थ्रू दिए जाते थे, इसमें 20% का काम भी नहीं होता था। और आप देख सकते हैं कि ये 15 साल पहले जो इनके लोग आए वो कहां थे और आज कहां हैं। कभी किसी ने सवाल किया कि मैं एक मुल्क का सबसे बड़ा हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं, मैं लैंड क्रूजर के अंदर या वीगो के अंदर इसलिए नहीं घूम सकता, मैं 1100 सीसी की गाड़ी से घूमता हूं, मैं उसका पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये वो लीडरान जो हम आवाम के लीडरान थे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं जिसका 1 किलोमीटर जो है वो 2 लीटर में चलता है। बात बताइए कि ये कौम के लीडर है या ये एंजॉय करने के लिए आए हैं? ख्वाज साहब, लेकिन आपने तो एक उम्र गुजारी है सर, आपको तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हुए कितने दिन हुए हैं सर? सारी उम्र आपने जो सियासत की है वो मुतहद कोई मूवमेंट पाकिस्तान से की है सर। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सारी उम्र की जो सियासत करते रहे वो आपकी गलती थी और अब आप सही राह पे आ गए, ये तो नहीं हो सकता ना सर। आपने एक मेच्योरिटी, एक इंसान की मेच्योर होने के बाद एक आदमी उम्र गुजारता है। आपने आप मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, पार्ट एंड पार्सल रहे हैं सर इन तमाम चीजों का। आज अलग हो गए हैं तो आज आप उसको तनकीद का निशाना बनाएं, आप समझते हैं कि बहुत अच्छी बात आपने की है, मैं चाहता भी था कि इस किस्म की बात आए। देखिए मैं कभी भी मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं रहा, मुझे जब भी इलेक्ट किया इनके कायद ने किया, और जो इसका बानी भी है और इसका मालिक भी है, और ये हम सब ये कहते थे कि हमारे लिए वो एक सर 2018 के इलेक्शन आपने लड़ा, वो तो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने टिकट दिए थे ना, या उसमें भी लंदन से टिकट जारी हुए थे दिया, तो उनकी जीती हुई सीट भी मुस्तरद हो गई सर, सर मुझे हटा दिया गया वहां से। इसका मतलब ये है कि आवाम ने इनको मुस्तरद 2018 में कर दिया था। अब इंजीनियरिंग बोले या कुछ भी बोले, लेकिन बात ये है सर, आप भी कहते हैं आप जीते हुए थे वहां से, रिकाउंटिंग होती या काउंटिंग हुई भी थी, सिर्फ उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, सीट तो आप जीते हुए थे वहां से। आपका ये कहना है कि अक्रम चीमा जो थे वो सीट जीते नहीं थे, आप जीते थे वहां से? 24 सीटों और 18 सीटों वाली पार्टी जो है, जब तक उनका कायद मौजूद था वो इंटेक्ट थी, उसके बाद जब ये टुकड़ों में बट गए और इनके अंदर जो है तलाफात इस किस्म के हो गए, और जो एक एमक्यूएम जो बनी थी तो उसका एक अपना एक सर 2018 से 23 तक आप साथ रहे? नहीं सर, मैं 2018 से 23 तक अनाउंस नहीं किया था सर आपने, 23 तक साथ रहा, लेकिन मेरे 5 साल जी सर। ये साजिद अहमद भी बैठे हुए हैं, मेरे इख्तलाफात थे और मैं हमेशा ये कहता था कि जो पार्टी के कारकुनान हैं उनको आप सीटें दीजिए, आप कराची के शहर के लिए क्या कर रहे हैं। बल्कि आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जब अपनी वजारत छोड़ी तो मैं एक सारा इनकी राबता कमेटी का टेबल गवाह है, मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी से सवाल किया कि मुझे एक बात बताइए कि आवाम मुझसे सवाल करती है कि आपने 4 वजारतें ले ली और आप गवर्नमेंट के ऊपर बैठ गए, तो मुझे मैं अब जवाब आपसे मांगता हूँ, क्योंकि आप जो है इस वक्त कन्वीनियर है, आप इस्लामाबाद में मजे उठा रहे हैं, आपने वहां पे जाके मिनिस्ट्री ले ली, आप तो कन्वीनियर थे, आपको तो कराची के लिए काम करना चाहिए था, और जब हम इलेक्शन जीते आप लोग चाहे 4 सीटें 5 सीटें,
तो आपने वहां पर तहरीरी तौर पर सर, लेकिन लेकिन अच्छा ख्वाजा साहब मुझे एक बात ही बताएं, आपको याद होगा जिस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो मिनिस्टर थे, उस जमाने में पार्टी की सारी कमान जो थी ना वो आमिर खान साहब के हाथ में थी, अगर आपको याद हो तो। मेरे ख्याल में आप ये चीजें समझते हैं। और आमिर खान साहब ने जब इस्तीफा दिया था खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, तो उस वक्त आमिर खान साहब ने यह कहा था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम समझते हैं पार्टी को कायद की ज्यादा, यानी पार्टी को जो है ना वो इस वक्त अपने कन्वीनर की ज्यादा जरूरत थी, तो डॉक्टर साहब को ज्यादा टाइम पार्टी को देना चाहिए बनिस्बत वजारत के। अगर आपको ये आमिर खान ने नहीं कहा था, ये आपके सामने ये जो बजा सुहेल बैठा है इसने कहे थे, और रौफ सिद्दीकी मेरे साथ बात आमिर खान ने स्टेटमेंट नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया होगा, लेकिन ये उनसे इस्तीफा मैंने दिलवाया था और इस बात का अल्लाह गवाह है और सारे के सारी राबता कमेटी गवाह है। लेकिन बात ये डिलीवर नहीं कर सके, अगर इनके चार मिनिस्टर भी बैठे, इन्होंने पीटीआई के साथ मुआहदा किया, सर मुझे बात करने दीजिएगा, पीटीआई के साथ रिटर्न में मुआहदा किया कि जो हमारे साथ सीटों पर ज्यादती हुई है उसका जवाब दिया जाएगा, वो जो सर सारे पॉइंट से उसमें देखिए पॉइंट उस पर अमल दरामद नहीं हुआ सर, वो याद है वो पॉइंट हम तीन साल तक रगड़ते रहे सर इन्हीं प्रोग्रामों में, तमाम मुतादा मूवमेंट के रहनुमाओं को बुला के बात करते रहे। अच्छा सर आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे, अभी हमें यासीन अदास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको भी हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन अदा साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यासीन अदा साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल तो गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई खास उसको केटर नहीं किया जा रहा और मजीद उस पर जो है ना अपील फाइल कर दी, क्या समझते हैं सर बल्ले के निशान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितना फर्क पड़ेगा? शामिल हाईकोर्ट का जजमेंट है और जाहिर है कि उसमें जो आर्डर किया गया वो अपनी जगह पे, ये तो वही शामिल हाईकोर्ट था जिसमें एक जज ने पहले दिन स्टे दिया, बाद में दूसरे जज ने उठा के स्टे लिखेट दिया, मामला दिल्ली में चला गया और इसी दौरान पीटीआई ने अपनी एक पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और 9 तारीख को मामले का जीत करके उन्होंने कहा कि हमारा केस आज ही सुना जाए, लेकिन बाद में आपने देखा होगा तो उसको 10 तारीख की डेट फिक्स की गई और वो पिटीशन एक्चुअली आमिर खान साहब ने फाइल की थी, लेकिन जब उनको इस बात की एश्योरेंस हो गई कि शायद पेशावर हाईकोर्ट से जजमेंट हमारे हक में आ जाएगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो मैं पिटीशन अर्जेंट बेसिस पे वापस ले ली जी। अब जजमेंट के दो जजों के जजमेंट के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो सिवाय सुप्रीम कोर्ट की अपील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा जो कानूनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाहिए, और दूसरी तरफ हर मामले में हम रिकॉर्ड भी खड़ी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी 13 तारीख को पार्टियों को निशाना लाद होना था सारा विचार जो भी कमीशन आपने सामने, जहाँ तक मैंने कानून की स्टडी की उसमें इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 वाजिया तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बात की जाए देती है कि वो पार्टी निशान किसी का तकलीफ करे ना करे इसके अपने कागज तो नहीं है, लेकिन जब आप हाईकोर्ट फैसला कर ले उसके बाद इसके बाद आपसे ये विचार कर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चूंकि यहाँ एक कानूनी इदारे के इख्तियारात जो है ना वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। सर आपका क्या मौकिफ है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से अपील करनी चाहिए या ठीक है एक फैसला था हाई कोर्ट ने जो है ना उसे सेट असाइड कर दिया या उसे हटा दिया मुअत्तल कर दिया, दे दें सर बल्ले का निशान, ये जिद क्यों है, क्या वजह है, ये आखिर क्या क्या पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की जिद है या क्या वजह, क्या समझ रहा है, या आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं बेहतर है बल्ले का निशान ना मिले ताकि आप लोग भी जरा इलेक्शन आराम से लड़ सकें? आज ही हर सियासी जमात को पूरा राइट है इलेक्शन लड़ने का, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। आज भी आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहता हूँ, लेकिन बात चीजें जो लीगल है जिसका डिस्प्यूट है, मिसाल के तौर पर पीटीआई का जो सरबरा है वो इलेक्शन लड़ने की पोजिशन में इसलिए नहीं है कि उनको 3 साल की सजा है और जब तक कोई से इन्होंने बाकायदा उसके खिलाफ
एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की हुई है, तो सजा तो जब तक खत्म नहीं हो जाती आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। सजा सस्पेंड होना और सजा को खत्म करना दो अलग अलग। तो ये सजा 3 साल की आपको सजा है, लिहाजा 5 साल के लिए तो आप नायर हो गए। इमरान खान साहब को कहीं से भी इलेक्शन लड़ने का मजाज नहीं है कानूनी। अब रह गया पार्टी का मामला, तो पार्टी में कहता हूँ कि आज कल अगर पार्टी को बनने का निशान मिल भी जाता है तो पीटीआई के लोगों के लिए बड़ी रुकावटें हैं। ये है कि बहुत सारे लोगों ने एक एक हफ्ते से पीटीआई के लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया। तो आप ये देखेंगे कि जब आप किसी को पार्टी टिकट देंगे तो हर उस हल्के में जिसमें 5 और 6 आदमी नॉमिनेशन फाइल किए हुए हैं, वो जो वर्कर है वो कहाँ तक इसको एक्सेप्ट करता है? क्योंकि इस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा बुकला को एक्सपोजेट करने के चक्कर में, क्या वजह है ये तो उसकी अपनी दिमाग का फैसला है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर जाता। लेकिन जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनसे टिकट लेके आप कल जो आदमी वकील आपको ज्वाइन कर रहा है आप उसको अगर टिकट दे रहे हैं, पार्टी के लोगों को इंतजार करने का तो हक है ना सर, आप तो नहीं उसको रोक सकते ना। आप रह गया मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में कल के दिन ही कोई ना कोई मामला फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बात तय हो जाएगी कि उसके पास जो इख्तियार हैं जो इलेक्शन एक्ट के तहत पाकिस्तान है, क्या वो एक्सरसाइज करने का हक है? यानी आप अपने पड़ोसी मुल्क में चले जाए तो वहाँ इलेक्शन कमीशन के मेंबरों की इतनी ताकत है, इतनी पावर्स है कि कोई आदमी अगर मिस यूज करता है अपने आप को या जालसाजी करता है तो वो मेंबर देर उसको सजा सुनाने का हकदार है। ये चीजें हमारे इलेक्शन कमीशन को अपने पावर नहीं दी। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन हमारा जो है ना सही फेयर इलेक्शन कराए, लेकिन जब उसके इख्तियार जो है जो आईनी इदारे के इख्तियार है आप उसको वक्तन फक्तन हर हाईकोर्ट अपने हिसाब से स्टे दे देगा या उसके मामले में रिकावट खड़ा करेगा तो फिर वो आईनी इदारा कौन रहा? इसका मतलब है कोई जेली इदारा है मरूने मिन्नत है हमारी अदलिया के, जो फैसला वो करेंगे वो मानी है उनसे सही अपनी जगह पे। तो मैं ये कहता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सियासी जमात का हक है, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो कल हमें देखना पड़ेगा कि अनुरोध क्या होता है, उसका फैसला करता है। इससे कबल इस वक्त कुछ कुछ कहना मेरे नजदीक मिला था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ साजिद अहमद साहब भी थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।